आप देख रहे हैं कि फ्रंट पेज न्यूज है कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कि पीएम मोदी इज कमिंग टू पोलैंड। इस विजिट से हमारे जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री भारत के होंगे जो इन मेमोरियल्स में जाके अपना श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, पहले प्रधानमंत्री रहेंगे वो। मैं ये कह सकती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा विजिट रहेगा, दो दिन का विजिट है ये, और मैं ऑलरेडी देख रही हूँ पोलिश सरकार और लोग कितना खुश हैं इस चीज से। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा एक हर्षोल्लास का माहौल ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है सरकार, पोलिश सरकार में, मीडिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इंटरनेशनल स्तर है वो इतना ऊंचा है और वो यहाँ कई सालों बाद आ रहे हैं। ये भी देखिए कि ये पीएम की पहली विजिट होगी जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, इस पूरे इलाके में होगी, तो जाहिर सी बात है कि पोलिश गवर्नमेंट और लोग बहुत खुश हैं इस चीज से। आप देख रहे हैं कि फ्रंट पेज न्यूज है कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में कि पीएम मोदी इज कमिंग टू पोलैंड। तो मैं ये कह सकती हूं कि इस विजिट से हमारे जो आपसी संबंध हैं पोलैंड और इंडिया के, इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, इनमें मजबूती आएगी, एक डेप्थ आएगा। एक देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे आर्थिक रिलेशंस भी अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं, और पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, क्लोज हैं, पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं। और असल में ये जो साल है ये 70वां साल है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, इंडिया और पोलैंड का। तो इन सब एक नींव तो बनी हुई है, वो ठीक है, लेकिन पीएम के इस वक्त आने से, टॉप लीडरशिप से बात करने से, मुलाकातें करने से और इन सारे मेमोरियल्स के यहां जाने से, जाम साहब का मेमोरियल है जिनको यहां पे अच्छे महाराजा या दयालु महाराजा कहते हैं, दुब्रे महाराजा, तो इनके यहां जाके, कोल्हापुर मेमोरियल के यहां जाके प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री भारत के होंगे जो इन मेमोरियल्स में जाके अपना श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, पहले प्रधानमंत्री रहेंगे वो। तो डेफिनेटली वो जो इंडियन पोल्स हैं, जिन पोलिश लोगों ने अपना बचपन वहां इंडिया में गुजारा 1940s में, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम है, आई एम इन टच विद देम, कि पीएम आ रहे हैं हमारे इन मॉन्यूमेंट्स में, हमसे मिल रहे हैं। तो इन सब वजहों से मैं कह सकती हूं कि हर तरह से हमारे रिलेशंस को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा, और प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट्स, इन्वेस्टर्स, इंडोलॉजिस्ट यानी संस्कृत के विद्वान हैं यहाँ पे, हिंदी और संस्कृत के, जो जिन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, उनपे हमारे सारे जो पुराने रामायण, उपनिषद, वेद, उन सबको ट्रांसलेट किया है पोलिश स्कॉलर्स ने, पोलिश विद्वानों ने, संस्कृत से डायरेक्टली पोलिश में। ये परंपरा यहाँ पे 130-140 बरस से चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट है और कितना ज्ञान है यहाँ पे, एक ज्ञान का एक सागर है। तो प्राइम मिनिस्टर जी इन इंडोलॉजिस्ट से भी मुलाकात करेंगे, और यहाँ के पोलिश कबड्डी कैप्टन, मेल एंड फीमेल टीम के जो कैप्टन हैं उनसे भी मिलेंगे। तो पीएम हर किस्म के लोगों से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मेमोरियल्स में जाएंगे, अपना रिस्पेक्ट्स वहां पे भी करेंगे। तो मैं ये कह सकती हूं कि एक बहुत ही अच्छा विजिट रहेगा, दो दिन का विजिट है ये, और मैं ऑलरेडी देख रही हूँ पोलिश सरकार और लोग कितना खुश हैं इस चीज से, और मुझे भी बहुत उम्मीद है कि ये विजिट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत उत्साहित है, आएंगे तो वेलकम करने जाएंगे भी। कहना यही चाहेंगे कि मोदी आएंगे तो सारे लोग हम मिलने जाएंगे। मैं तो गुजरात से हूँ वैसे भी, मोदी 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 मोदी। सर हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं, बहुत साल, 40 साल निकल गए हैं, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं, पर मेरे ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं, और हम उसका, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।
और मोदी जी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है और हमें उम्मीद है आगे भी 10-20 साल मोदी जी आए और यहाँ पे हम सब इंडियन अच्छी तरह रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। दिल से स्वागत करते हैं उनका, दिल से, बहुत दिल से स्वागत करते हैं उनका। इस चीज का हम वो वेट कर रहे थे, जब हम देखते हैं मोदी जी कहीं और ट्रेवल करते हैं किसी और देश में, इसी चीज का इंतजार था कि कब पोलैंड आएंगे और आज वो दिन आ चुका है। दिल से स्वागत करते हैं, जो इतना हो चुका था जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमारे जैसे वॉर हुए थे, यूक्रेन में जैसे वॉर हुआ था उसके बाद इतना उन लोगों ने एवोकेट किए थे, इतने इंडियंस को जो फंसे हुए थे, हमारे कुछ जान पहचान वाले भी थे जिस ऑपरेशन गंगा के थ्रू उन्होंने एवोकेट किया था, तो मोदी जी हैं जिनके जिनकी वजह से ये मुमकिन, बहुत मुश्किल था, नहीं तो आज मोदी है तो मुमकिन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।